हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन वी विल स्टडी लेसन एट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड लेट्स स्टार्ट नाउ पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ ये जो यूनिट है टू पार्ट्स में डिवाइड है फर्स्ट पार्ट है इसका द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर ओके जिसकी राइटर है जिट कलासा और सेकेंड पार्ट है इसका बी टू आर ह्यूमन बींग बी टू आर ह्यूमन बींग इसके राइटर हैं बामा और बामा कौन है बामा एक तमिल दलित वुमेन है सो so, इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर जो कि जिटकला सा के थ्रू रिटर्न है सो बिफोर यू रीड हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं देख लेते हैं ऐसे दिस यूनिट प्रजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लिप्स ऑफ टू वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हु लुक्स बैक ऑन देअर चाइल्डहुड एंड रिफ्लेक्ट ऑन देअर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर ये जो यूनिट है कम महत्वपूर्ण समझे जाने वाली जाति की दो उन महिलाओं के जीवन की घटना को प्रस्तुत करती है जो अपने बचपन की यादों को देखती हैं रिफ्लेक्ट करती हैं ऑन दियर रिलेशनशिप विद द मेन कल्चर और उनके जो मिनिस्ट्री मीन्स होता है मुख्य धारा के साथ संबंधों की व्याख्या भी करती है द फर्स्ट अकाउंट इज एन अमेरिकन इंडियन इन द लेट नाइन सेंचुरी जो पहला वर्णन किया गया है वो एक अमेरिकन इंडियन वूमेन के द्वारा किया गया है जो लेट नाइनटीन्थ सेंचुरी में पैदा हुई थी द सेकेंड इज अ अंटेम्परे तमिल दलित राइटर और दूसरा वर्णन एक तमिल दलित राइटर के द्वारा किया गया है सेकंड पैराग्राफ गटरूड सिमोनिन वॉनी बॉर्न इन 1876 सेवेंटी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली टैलेंटेड एंड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वूमेन हु स्ट्रगल एंड ट्रम्फ इन अ टाइम वेन से वेजुडाइज प्रिवेव टू नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वूमेन सो यहाँ पे गटरूड सिमोन वेनिन तो यहाँ पे इनका ये नेम है गर्टरूड सिमोन वोनिस तो इनका जो वर्थ हुआ था ये जो वार्न हुई थी 1876 में इनका वॉर्न हुआ था मतलब इन ये जन्मी थी और इनके अंदर एक विशेष रूप की एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था विशेष रूप की प्रतिभावान थी ये एंड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन और ये नेटिव अमेरिकन वूमेन भी थी ठीक है बहुत ज़्यादा शिक्षित थी अमेरिकन वुमेन थी और जिन्होंने एक ऐसे समय में संघर्ष किया जिससे जिसके कारण वो जीत भी गई ट्रम्प ट्रिबिन होते हैं ट्रम्प ट्रिबिन विजय प्राप्त कर लेनी इन्होंने ऐसे समय में संघर्ष किया और जीती भी जब अमेरिका की संस्कृति और जो वुमेन्स थी उनके प्रति लोगों की बहुत ज्यादा मतलब गंभीर पूर्व धारणा बनी हुई थी कि लेडीज ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं, उस समय में इन्होंने लड़ाई की स्ट्रगल किया और वो जीती भी। एक लेखक के रूप में पेन नेम मीन होता है लेखक के रूप में उन्होंने अपना नाम जिटकला रख लिया और 1900 में मतलब 1900 हंड्रेड की आलोचना करते हुए क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने अपना आर्टिकल भी शुरू कर दिया और उसमें मतलब क्या था उसके काम एकदम से हर डॉगमा एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वूमेन वॉज डेडिकेटेड अगेंस्ट ऑफ ऑपरेशन हर वर्क उनके जो काम थे वो क्रिटिसाइज करते थे डॉगमा को मतलब उनके काम डॉगमा मीन्स होता है धर्म मत या फिर धर्म के सिद्धांत कैर्लिस इंडियन स्कूल की आलोचना करते थे कि ये जो स्कूल है वो अच्छा नहीं है क्रिटिसाइज करते थे और एक मतलब एक जनजात अमेरिकन के रूप में उनका जो जीवन था वो एक तरह से ऑपरेशन मीन दमन ऑपरेशन मीन्स होता है दमन करना किसी चीज का शोषण करना बुराई करना उसके विरुद्ध समर्पित था कि ये नहीं होना चाहिए बामा इज द पैन नेम ऑफ अ तमिल दलित वूमेन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली बामा रोमन कैथोलिक फैमिली की एक दलित तमिल वूमेन का दूसरा नाम था सी हैज पब्लिश्ड थ्री मैन मेन वर्क उन्होंने तीन मेन वर्क किए पब्लिश किए प्रकाशित कर लिए एंड ऑटोबायोग्राफी करुक्कू एक जीवन कथा करुक्कू नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी टू में 1992 में एंड अ नोवेल संगति 1994 में एक नोवेल भी उन्होंने किया संगति 1994 में एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन भी था जो थी किसुम्बू कारण किसुम्बू कारण 1996 एंड द फॉलोइंग एक्सर्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम करुक्कू और इनका जो एक्सप्टीस होता है कुछ अंश टुकड़ा करुक्कू से लिया गया था करुक्कू मीन्स पलवर लीव विच सेरेटेड एज ऑन बोथ साइड्स आर लाइक डबल एज शॉर्ट्स और करुक्कू का मतलब है जो खजूर के पत्ते होते हैं जो अपने दांतेदार किनारों के साथ एक तरह से डबल एज शॉर्ट्स की तरह काम करते हैं दोधारी तलवार की तरह होते हैं तो उसको बोला जाता था लीव्स और वो इस तरह से काम करते थे वाई अ पन द तमिल वर्ड कुरुक् कंटेनिंग द वर्ड करू एम्ब्रो और सीड ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस न्यूनेस एक वाई अ पन फेलिटिस मीन्स होता है कि एक व्यंगात्मक स्लेस मतलब शब्दों का जोड़ तोड़ उसके द्वारा तमिल शब्द करुक्कू जिसमें शब्द करु शामिल है जिसका मतलब है एम्ब्रियो एम्ब्रियो मींस होता है अव अविकसित जो पूरी तरह से विकसित ना हुआ हो ठीक है तो वो और सीड सीड मीन्स बीज ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस न्यूनेस तो उसका मतलब होता है फ्रेशनेस ताजगी और नयापन भी होता है उसका मतलब सभी के बचपन की कुछ ना कुछ मेमोरीज होती हैं चाइल्डहुड मेमोरीज यहाँ पर ये क्लास आ है उनकी चाइल्ड हुड मेमोरी है ये द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर तो अब स्टार्ट करते हैं इसे द फर्स्ट उनका इन द लैंड ऑफ एप्पल्स जहां पर एप्पल्स बहुत ज्यादा होते हैं बिटर कोल्ड वन और वहां पर ठंड भी बहुत ज्यादा थी फॉर द स्नो स्टिल कवर द ग्राउंड स्नो ने जो बर्फ थी वर्फ से जो जमीन थी वो पूरी तरह से ढकी हुई थी एंड ट्रीज वर वेयर और जो पेड़ थे वो पूरी तरह से खाली थे क्योंकि उनपे पत्ते ही नहीं थे वेल फॉर ब्रेकफास्ट एक बड़ी सी घंटी बजी ब्रेकफास्ट के लिए इट्स लाउड मेटेलिक बॉयज क्रेसिंग थ्रो देड एंड इन टू अवर सेंसिटिव उसकी इतनी तेज आवाज थी क्रेसिंग साउंड था वॉइस बहुत ज्यादा तेज थी क्योंकि वो मेटेलिक वॉइस था मीन्स कोई धातु की चीज थी जो घंटी होती है घंटा पूरा बना होता है उससे साउंड किया जाता था वेल फ्रेम टावर घंटा घर लगा हुआ इस तरह से आवाज हो रही थी उस वेल well की ओवर हेड एंड इंटू अवर सेंसिटिव ईयर्स और ऐसा लग रहा था कि हमारे जो सेंसिटिव इयर्स है वो उससे फट जाएंगे इस तरह इतना भयानक साउंड था क्लैटर ऑफ शूज ऑन वेयर फ्लोर्स No clatter बिल्कुल खाली एकदम से साफ फर्श था वेयर फ्लोर था तो गेव अस नो पीस वो हमें मतलब शांति नहीं दे रहा था क्योंकि जो आवाजें हो रही थी एनोइंगलेटर हो रहा था सूज का जो जूते वगैरह होते हैं जूतों की बहुत तेज तेज ते फर्श पे आवाज हो रही थी उससे भी हमें मतलब शांति नहीं मिल रही थी चैन नहीं मिल रहा था The constant of harsh noise, और लगातार बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ ते 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 आवाजों का सोर हो रहा विद एन अंडर करेंट ऑफ मैनी वॉइस मर्ट एन अनोन टंग और ऐसा लग रहा था जैसे अनजानी बहुत सारी भाषाएं बहुत सी आवाजों में गूंज रही थी मेरा बेडलम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड और ऐसा लग रहा था पूरा जो जहाँ पर मैं हूँ वो ऐसा लग रहा था मेरा बेडलम बैडलम मीन्स होता है मैड हाउस पागल खाना कि जहाँ मैं हूँ वो एक पागल खाना है और उसके अंदर मुझे क्या करके रखा है विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड कि मुझे पूरी तरह से सेफली एकदम से टाइटली कस के बांध दिया गया था इस तरह से लग रहा था एंड दो माय स्पिरिट तो इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वाज यूज़लेस और जो मेरी आत्मा थी वो बहुत ज्यादा मतलब खो चुकी थी ऐसा लग रहा था कि मेरी जो स्प्रिट है वो अब है ही नहीं तो इटसेल्फ आजादी के लिए वो इतना परेशान हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मतलब कैसे भी स्ट्रगल किया जाए और मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ, लॉस्ट फ्रीडम मुझे फ्रीडम चाहिए ऑल वॉज यूजलेस लेकिन जितने भी मेरी कोशिशें थी वो सब यूजलेस थी कुछ भी फायदा नहीं हुआ मेरी कोशिशों से पेल फेस विद वाइट हेयर केम अप केम अप आफ्टर अस, वी वर प्लेस्ड इन ऑफ गर्ल्स हु इन टू द डाइनिंग रूम सफेद बालों और पीले चेहरे वाली एक औरत हमारे पीछे पीछे आई हमें उन लड़कियों की लाइन में खड़ा कर दिया गया जो डाइनिंग रूम में जा रही थी दीज वर इंडियन गर्ल्स वो सभी इंडियन लड़कियां थी इंडियन रेड इंडियन ओके सो इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिनजिंग ड्रेसेस जो बहुत ज्यादा स्टिफ मीन्स होता है एक तरह से कठोर हार्ड ओके हार्ड शूज और क्लिंगिंग ड्रेसेस क्लिंगिंग मीन्स होता है चिपके हुए टाइट टाइट कपड़े पहने हुए थी द स्मॉल गर्ल्स वो स्लीव aprons एंड singled हेयर और छोटी लड़कियाँ तो स्लीव वाले कपड़े पहने हुई थी एप्रन पहनी हुई थी और उनके बाल बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कटे हुए थे सिंगल्ड मीन्स होता है सिंगल्ड हेयर क्लोजली क्रॉप्ड हेयर छोटे बालों वाली थी वो एज आई walked noiselessly in इन माई सॉफ्ट मोकासिन आई फेल्ट लाइक

मेरे कंधों से भी नीचे गिर गया था आई लुकड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स आई इन टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स मैंने बहुत कठोर नज़रों से उन इंडियन लड़कियों की ओर देखा जिन्हें लगता था कि इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि वो मेरी एक तरह से मतलब मुझे देखकर किस तरह का सोच रही हैं और वो बेसरमी से और बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहने हुई थी उनको मतलब वो जो टाइट फिटिंग क्लॉथ से वो ज्यादा पसंद थे वाइल वी मास्ट इन अपोजिट डोर। जब हम अंदर घुस ही रहे थे तभी द बॉयज जो लड़के थे एंटर किया उन्होंने भी अपोजिट डोर से सामने वाले दरवाजे से वो भी आ रहे थे आई वॉस्ट फॉर द थ्री यंग ब्रेव्स हु इन अवर पार्टी और मेरी नजरें जो थी वो उन तीन लड़कों के ऊपर गई जो हमारे ही ग्रुप के साथ आए हुए थे आई स्पाइड दैम इन द रियर रैंक्स लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट मैंने उन्हें पिछली लाइनों में देख लिया था वो उतने ही मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे जैसा कि मैं कर रही थी आई स्मॉल वेल वॉज टैप्ड

और ये मानकर कि ये बैठने के लिए निकाली गई थी मैंने भी अपनी चेयर निकाली और तुरंत ही इसमें एक तरफ बैठ गई जो चेयर थी मेरी मैं भी उसको निकाल कर एक तरफ बैठ गई स्लिप कर गई जल्दी से बट वेन आई टर्न माई हैड लेकिन जैसे ही मैंने अपना सर घुमाया आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन स्टैंडिंग मैं अकेली ही बैठी हुई थी और हमारी टेबल के जितने भी सभी लोग थे वो खड़े हुए थे सभी खड़े हुए थे केवल मुझे छोड़कर मैं ही बैठी हुई थी जस्ट एज आई बिगिन टू राइज लुकिंग साइली अराउंड टू सी हाउ चेयर टू बी यूज अ सेकेंड वेल वॉज साउंडेड जब मैं ये देख ही देखती हुई उठने लगी कि इन चेयर्स का जो यूज है किस प्रकार होना था एक दूसरी घंटी बजी दूसरी सेकंड वेल साउंड किया सेकंड वेल ने ऑल वर सीटेड एट लास्ट एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन और आखिर सभी बैठ गए और मुझे फिर धीरे से अपनी चेयर पर बैठना पड़ा आई हर्ड अ मेंस वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम मैंने हॉल के एक मतलब जो लास्ट उसका एंड ऑफ द हॉल था लास्ट छोर था उसकी तरफ एक मैन को आते हुए देखा और उनकी आवाज़ सुनी और मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी अराउंड टू सी हिम वट ऑल द अदर्स हंग दियर हैड्स ओवर दियर प्लेट्स लेकिन सभी अपना अपना सिर अपनी प्लेटों पर झुकाए हुए थे एज आई ग्लैंस एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल आई कॉट द आईज ऑफ अलफुल वूमेन अपॉन मी जब मैंने टेबल्स की एक टेबल की एक जो लॉन्ग पूरी श्रृंखला टाइप बनी हुई थी चेन बनी हुई थी उस पर नजर डाली तब मैंने पीले वाली उस को अपनी आई ड्रॉप माई आईज वंडरिंग वाई आई वॉज सो क्लीनली वॉस्ड वाई स्ट्रेंज वुमेन तुरंत ही मैंने अपनी नजरें हटा ली और सोचने लगी कि वो अजनबी औरत मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रही थी द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स एंड देन अ थर्ड वेल वॉज टैप्ड उस जो द मैन सीज्ड उस आदमी ने बोलना बंद किया और तब तक थर्ड वेल भी बचाई गई थी तीसरी वेल जो थी वो भी टैप्ड हो चुकी थी एवरी वन एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉक एंड विगेन ईटिंग आई विगेन ट्राइंग इंस्टीड फॉर वायदा दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनी थिंग मोर और इस समय क्या हुआ था हर कोई जो भी था वहाँ पर अपने अपने नाइफ और फॉक जो भी कांटा वगैरह होता छुरी होती है उससे क्या करने लगे थे मतलब खाना शुरू कर दिया था उन्होंने खाना शुरू कर दिया एंड मैं इसकी बजाय क्या कर रही थी रोने लगी क्योंकि मैं अब कोई साहसिक काम करने से डर रही थी आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनी थिंग मोर और कुछ करने से मुझे अब डर लग रहा था इसलिए मैं रोने लगी बट दिस ईटिंग वाई फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे लेकिन इस तरह से पहले दिन खाना खाना इस फॉर्मूले से मेरे लिए उस दिन सबसे बड़ी मुसीबत ना थी लेट इन द मॉर्निंग लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग और मतलब लेट इन द मॉर्निंग मॉर्निंग के बाद देर शाम को मेरी जो फ्रेंड थी जुडविन उसने मुझे कुछ मतलब एक ऐसी terrible warning दी. Knew a few words of English, क्योंकि कुछ English के words जानती थी एंड सी हैड ओवर हर्ड देशमेन टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर मुझे एकदम से उसने एक ऐसी वार्निंग दी कि उसने बताया कि जो पीले चेहरे वाली औरत है वो हमारे जो लंबे और बहुत ज़्यादा हैवी जो बाल हैं उनको काटने की बात कर रही थी और ये सब मैंने सुन लिया है जो जुडविन थी उसने उनको बताया जिटकला को अवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर सिंगल्ड बाय द एनिमी और हमारी जो माँ है वो हमें समझाया करती थी कि केवल ऐसे जो अनस्किल्ड जिनके अंदर कोई स्किल्ड नहीं होते वो जो वॉरियर्स होते हैं जो योद्धा होते हैं उनके ही बाल काट दिए जाते थे जब वो क्या होते थे शत्रुओं के द्वारा पकड़ लिए जाते थे जो एनिमीज होते हैं एनिमीज के द्वारा कैप्चर के कर लिए जाते थे तब उनके बाल काट दिए जाते थे एमंग अवर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मोर्नर्स एंड सिंगल्ड हेयर वाय कवर्स और हमारे लोगों में छोटे बाल एक तरह से मॉनर्स मातम माना जाता है मातम करने वालों और जो कायर लोग होते हैं कावर्स होते हैं उनके होते थे इस तरह के बाल सो वी डिस्कस अवर फेट आर हैोंग आई रिविल्ड अब कुछ ही क्षणों में कुछ ही मोमेंट्स ऐसे हुए मोमेंट्स तक हमने अपने जो हमारा फेट था भाग्य था हमारा fate means होता है destiny, भाग्य. तो हमने अपने भाग्य की चर्चा की और जब जुडविन ने कहा कि हमें तो अब क्या करना पड़ेगा समर्पण करना पड़ेगा बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग आई रिविल्ड क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है फिर आई रिविल्ड मैंने विद्रोह कर दिया रिविल्ड मीनस होता है विद्रोह रिवॉल्टेड ठीक है तो फिर मैंने क्या किया जो जो जटकला सा है वो बता रही है कि जटकला के मैंने फिर विद्रोह कर दिया मैं इसके खिलाफ हो गई नो आई विल नॉट सबमिट आई विल स्ट्रगल फर्स्ट आई आंसर्ड आई वॉस्ड माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस्ड आई डिस एक तरह से नो आई विल नॉट सबमिट मैंने कहा नहीं मैं मतलब समर्पण नहीं करूंगी मैं अपने बालों को नहीं कटने दूंगी आई विल स्ट्रगल फर्स्ट मैं पहले संघर्ष करूंगी आई आंसर मैंने ये उत्तर दिया उनको कि मैं संघर्ष करूंगी मैं अपने बालों को नहीं कटने दूंगी आई वॉस्ट माई चाटिस्ट आई डिस मैं एकदम से मौके की तलाश में थी और जब कोई नहीं दिख रहा था मैं वहां से गायब हो गई आई क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्कूकिंग शूज माई मोकेसिंस हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज़ अब मैं मैंने क्या किया अपने जो मेरे चरमराते शूज़ थे उनसे सीढ़ियों पर जितना दबे पाँव हो सकता था चढ़ गई और मेरे जो मौकसिन थे उनके बदले मुझे जूते दे दिए गए थे अलोंग द हॉल आई पासड विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग मैं हॉल से होकर चलती चली गई बिना ये जाने कि मैं किधर जा रही थी टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ थ्री वाइट बेड्स इन एट एक खुले हुए हॉल में जाकर मैंने देखा कि तीन सफेद जो वाइट बेड्स है बिस्तर है बिस्तरों वाला एक बड़ा रूम था वो देखा मैंने द विोजर कवर विद डार्क ग्रीन कर्टन विच मेड द रूम वेरी डिम जो खिड़कियाँ थी वो गहरे हरे रंग के पर्दे पर्दों से ढकी हुई थी जिससे जो रूम था वो बहुत ज़्यादा डिम हो गया था धुंधला सा हो गया था थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर धन्यवाद था कि वहाँ पर कोई भी नहीं था मैंने बहुत बहुत थैंक किया कि यहाँ पर कोई भी नहीं है आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टू वॉच द कॉर्नर farthest फ्रॉम द डोर तो मैं दरवाजे में से सबसे मतलब छिप छिपा के कोने की ओर चली गई ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्राउड अंडर द बेड एंड huddled myself in इन द डार्क कॉर्नर हाथों और घुटनों के बल रैंग मैं बेड के नीचे घुस गई और सिमट कर अंधेरे कोने में बैठ गई फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट सर्डरिंग विद फियर वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप नियर बाय अपने छुपने की जगह से मैं झांकती रही पियर्ड मींस होता है झांकना, सो so, मैं अपने छुपने की जगह से झांकती रही और जब कभी भी मैं अपने पास एकदम से जो मेरे मतलब फुटेज स्टेप्स की आवाज़ आती थी तो उसको सुनती थी और मैं एकदम से दो इन द हॉल लाउड वॉइस वर कॉलिंग माई नेम एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन 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 वॉज सर्चिंग फॉर मी और फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था मैं डर की वजह से काँप भी रही थी सडरिंग हो रही थी जब मैं हियर्स करती थी बॉयज़ को कि हाँ फोर्शेफ की आवाज़ आ रही है और अगर हॉल में ऊंची आवाज़ों में मेरा नाम पुकारा जा रहा था तो क्या हो रहा था मेरा उस समय मैं जानती थी कि जुडविन भी मुझे ढूंढ रही है जो जुडविन थी उसकी जो फ्रेंड थी कि वो भी मुझे ढूंढ रही थी फिर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा आई डि नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर और फिर मैंने मतलब कुछ भी आंसर नहीं दिया मैंने अपना मुँह ही नहीं खोला बिल्कुल भी जब जुडविन भी मुझे आवाज लगा रही थी तो स्टेपेंड एंड द वॉइस बिकेम एक्साइटेड मैंने उत्तर देने के लिए मुँह ही नहीं खोला बिल्कुल भी फिर कदम तेज हो गए और आवाजें बहुत ज्यादा तेज होने लगी मुझे बुलाने के लिए द साउंड केम नियरर एंड नियरर जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा पास से आने लगी और भी पास से आने लगी तो मैं तो बहुत ही ज्यादा आ गई एंड आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच दैम ओपन क्लोजेस्ट डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स और मैंने सांसें रोक रखी थी और उन्हें मैंने देखा कि वो अलमारियों के दरवाजे खोल रही थी और बड़े बड़े जो भी ट्रंक थे उनमें भी झांक रही थी सम वन थ्रो अप द कर्टेन कोई कर्टेन को हटा रहा था जो पर्टन पर्दे वगैरह जो कर्टन्स लगे हुए थे उनको भी इधर उधर कर रहे थे एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट और जो रूम था वो अचानक ही उजाले से भर गया उन्होंने लाइट वगैरह भी ऑन कर दी कर्टेन हटा दिए वॉट कॉज दैम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बैड आई डू नॉट नो आई remember being dragged आउट though I resisted by kicking and scratching wildly. In spite of myself, I was carried डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन द चेयर मुझे नहीं पता कि उन्होंने बेड के नीचे क्यों झुक कर देखा मुझे तो इतना याद है कि उन्होंने मुझे बाहर घसीटा और मैंने पागलों की तरह बिहेव किया मैंने लातें मारी नाखूनों से नोच नोच कर भी रिवेल्ट किया मुझे ये सब याद है कि मैंने किकिंग भी की स्क्रैचिंग भी की बाइडली एकदम जंगलीपन से इंस्पाइट ऑफ माय सेल्फ अपने आप को बचाने के लिए और फिर मुझे उठाकर आई वॉज कैरी डाउन स्टेयर मुझे उठाकर नीचे ले जाया गया सीढ़ियों से उतार कर और एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर और एक कुर्सी से टाइटली बांध दिया गया था आई क्राइड अलाउड सेकिंग माई हेड ऑल दाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर अगेंस्ट माई नेक एंड हर दैम जूनो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड आई लॉस्ट माई स्प्रिट और मैं जोर से चीखती रही और तब तक सिर हिलाती रही जब तक मैंने कैंची के एकदम से ठंडी आवाज सी ना सुनी हो जब मेरी गर्दन पर मेरे बाल जो थे वो गिर रहे थे उसकी आवाज आ रही थी सीजर्स अगेंस्ट माई नेक एंड हर दैम जूनो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स जो मेरे मोटी चोटी थी ठीक है एक मेरी जो मोटी चोटी थी उसको काटने की आवाज़ ना सुनी तब तक मैंने अपने सर को हिलाना बंद नहीं किया देन आई लॉस्ट माई स्प्रिट फिर मेरी हिम्मत खो गई मेरी जो स्प्रिट थी मेरी जो आत्मा थी मेरी जो हिम्मत थी वो बिल्कुल मैं हार चुकी थी सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज और जब से मुझे मेरी माँ से जुदा किया गया था अलग किया गया था मैं बहुत ही ज़्यादा सहन करती आ रही थी मेरे अंदर डिग्निटी थी ही नहीं एक्सट्रीम इन डिग्निटीज पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी लोग मुझे घूरते रहते थे आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट और ऐसा लगता था कि मुझे लकड़ी की कठपुतली की तरह हवा में उछाला गया था एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉच सिंगल्ड लाइक अ कावर्स और अब मेरे जो बाल हैं वो कायरों के बालों की तरह काट दिए गए थे छोटे कर दिए गए थे इन माई एंग्वेज आई मोन्ट फॉर माई मदर बट नो वन केम टू कंफर्ट मी अपनी जो परेशानी है मैं एकदम से कराह कर अपनी माँ को पुकारती रही थी लेकिन मुझे सांत्वना देने कोई नहीं आया था मुझे कंफर्ट करने कोई नहीं आया केवल मैं मॉन्ट करती रही थी फॉर माई मदर अपनी माँ को चिल्लाती रही नॉट असोल्ट रीजेंड क्वाइटली बिदमी एज माई ओन मदर यूज टू डू फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाय अ हर्डर किसी ने शांति से मुझे नहीं समझाया जैसे कि मेरी माँ किया करती थी क्योंकि अब मैं एक ऐसी लड़की बन गई थी जो कि एनिमल्स ड्राइवन वायर्डर जो कि एनिमल्स को एक झुंड में हाँका जाता है वाई अ हर्डर जो गडरिया वगैरह होता है ना वो पूरे एक झुंड को लेके जाता है तो इस तरह से लग रहा था मुझे कि मैं एक गडरिये द्वारा हाकी जाने वाली बहुत छोटे छोटे सी एक मतलब लड़की बन गई हूँ कि मुझे इस तरह से किया गया मेरे साथ मुझे परेशान किया गया मेरी जो एक मोटी चोटी थी उसको भी काट दिया गया सो वी हैव कम्प्लीटेड फर्स्ट पार्ट इन दिस वीडियो सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ओके थैंक यू